राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत तारामंडल स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला परिसर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के प्रभारी महादेव पांडे ने बताया कि जनपद के 21 ब्लॉक के विद्यालयों की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सभी ब्लॉक के बच्चों द्वारा अपने हाथों से बनाई गई प्रदर्शनी को लगाया गया है। जिन छात्रों की प्रदर्शनी सबसे अच्छी रहेगी उनको सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के प्रभारी महादेव पांडे ने कहा, इसके बाद इसमें मतलब आप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना सकते हैं। पुराना हो गया था, पुराना हो जा रहा है। हाथ करके नचा दीजिए तो कैमरे में खींच के फोटो नहीं, हम उसको चिपका दिए हैं, नाचे कैसे। हमारा हो गया दो मिनट देखो, या जो है बिंदु जनरेट, यानी इसमें आपका रोल यह है कि दो मैग्नेट के बीच में जब कोई कंडक्टर या चालक पदार्थ होता है तो चुंबकीय प्रभाव के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड है तो वह क्या करता है, वो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। जो आपका जो आदेश उत्पन्न होता है क्या सप्लाई ली गई। बस ये मॉडल
आपको किस तरह की प्रदर्शनी लगी? वीर बहादुर सिंह निशाशाला का मैं प्रभारी हूँ महादेव पांडे। ये प्रदर्शनी लगी है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत, जिसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव मॉडल लगाए गए हैं। उन इनोवेटिव मॉडलों से बच्चों के को पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनके मॉडलों को देखा जाएगा कि आज के ज़माने में क्या इनोवेशन उन्होंने किया है और किस तरह के मॉडल लगाए हैं। कितने विद्यालय के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया? इसमें 21 ब्लॉक के विद्यार्थी भाग किए हैं और पांच पांच के ग्रुप में हैं।